हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हैप्पी लाइफ हैप्पी लाइफ चैनल। होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी है सुबह का टाइम और अभी थोड़ी थोड़ी ठंडी, मतलब ठंडी का जो मौसम है वो शुरू है, तो अच्छा लग रहा है सुबह सुबह। और अभी मैं अपने जो घर के काम में है वो लग जाती हूँ, जो रूटीन काम था वो मैंने कंप्लीट किया है और अभी पी लेती हूँ चाय। तो आप भी आ जाइए चाय पीने के लिए और फिर करते हैं ब्रेकफास्ट और आज के लंच की तैयारी। फ्रेंड्स, आज है सैटरडे और वीकेंड आ गया है, एक मतलब छुट्टी मिली थी दिवाली की इस वाले हफ्ते, तो थोड़ा रिलैक्स था। और दिवाली में इतनी सारी क्लीनिंग हो गई थी कि अभी थोड़ा मतलब आराम से काम कर ले तो भी चलेगा, क्योंकि 15-20 दिन पूरा घर का जो ऑर्गेनाइज करने में ही लग गए थे। तो अभी मैंने सोचा है कि कल संडे है तो कल थोड़ा अपने हेयर और स्किन का केयर कर लूँगी और आपसे भी ज़रूर शेयर करूँगी, कुछ यूज़फुल होगा तो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। तो यहाँ बन रही है चाय, तो आप भी आ जाइए फ्रेंड और एक हेल्दी सा एक जूस बना के रेडी कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स और डेट्स का जो मिल्क शेक है वो रेडी कर लेंगे फ्रेंड्स। तो मैंने रात को ये वाले जो काजू बादाम और डेट्स को सोक करके रखा हुआ था, तो ये पानी को आपने फेंकना नहीं है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं लेनी हैं और इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर देना है और फिर इसको मिल्क में आपने मिक्स कर देना है और आपको इसको लेना है रोज़। तो आप मतलब आयरन और मिनरल्स विटामिन्स की कमी कुछ हो तो बॉडी में वो मतलब ठीक हो जाता है, बैलेंस हो जाएगा। तो मैं कभी कभी बना लेती हूँ लेकिन कभी टाइम नहीं मिलता तो नहीं पी पाती, तो मैंने सोचा चलो आज बना लेते हैं और आपसे भी शेयर कर देते। तो ये जो पेस्ट है उसको मैं मिल्क में मतलब मिक्स कर देती हूँ और ये मैं पैक कर लूँगी लंच बैग में और वहाँ जाके पीऊँगी। यहाँ पे जो छोटे जो बर्तन है जो मैं यूज़ कर लेती हूँ वो मतलब यूज़ करके वापस से धो देती हूँ तभी का तभी, वरना बहुत ज़्यादा हो जाता है सिंक में बर्तन और फिर बहुत मुश्किल हो जाता है बहुत सारे क्लीन करना। तो यहाँ पे जो मैंने मिक्सर वगैरह यूज़ किया था, बोल्स यूज़ किए थे, वो सारे धो के रख देती हूँ और पी लेती हूँ चाय। थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते और फिर जो ब्रेकफास्ट का काम है वो शुरू कर देते हैं। तो फ्रेंड्स आप भी आ जाइए चाय पीने के लिए। कसमी तल्यवा चको मिया निया पे मन सम्यान नना मन भूम्यान इगे आनिंदे ने मामन गगे इरन गे आनिंदे 그게 말하고 싶었지만 내 맘이 들킬까 난 겁이 나서 차라리 들켜서 내 맘을 네가 알아챘어야 해 तो यहाँ मैंने जो मिल्क शेक बना के रेडी किया था प्रोटीन मिल्क शेक, तो वो मैंने रख दिया है फ्रिज में पैक करके बॉटल में और मैं लेके जाऊंगी लंच बैग में पैक करके। तो यहाँ मैं आ गई हूँ ब्रेकफास्ट और लंच दोनों की तैयारी करने के लिए। तो सबसे पहले आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको हैप्पी लाइफ चैनल के व्लॉग्स कैसे लगते हो। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो आपको पता चल ही गया होगा मैं क्या बनाने वाली हूँ। तो मैंने ले लिया है बोल में दही और अब इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा अजवाइन, मिर्च और हल्दी और फिर इसमें डालूँगी एक टीस्पून बेसन का और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके रख देती हूँ।
दही वाली कढ़ी तो बहुत स्वादिष्ट होती है, लेकिन उसमें जब तक आप पकोड़े ना डालें तो उसका मतलब स्वाद फीका रहता है, और जब ऐड कर दो पकोड़े तो वो और ज़्यादा टेस्टी होती है। तो मैं बनाऊंगी पकोड़ा वाली कढ़ी, तो आप व्लॉग को ज़रूर एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैंने कुछ प्रोडक्ट्स मंगवाए थे अमेज़ॉन से अपने स्किन और हेयर के लिए, तो आपसे मैं वो शेयर करूंगी व्लॉग में, तो आप ज़रूर व्लॉग के एंड तक बने रहें फ्रेंड्स। It's midnight, we're going all night. Can you pass a drink to get the vibe right? Don't feel like having a Bud Light. How's tequila with some salt and lime? Oh my, am I alright? Thanks for asking, doing just fine. Can I say that you're looking real nice? We'll love to chat right now before I get high. When you gaze into my eyes, I feel like I'm on cloud nine. You bang harder than 4th of July. I can go all night, yeah. The way you bite your lips, blush and smile you give, you're just so stunning. तो कढ़ी का बैटर तो मैंने रेडी करके रख दिया है, और अभी बन रहा है पकोड़ों का बैटर, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनने वाला है। तो आप भी ज़रूर लंच पे आ जाना हमारे घर, और आपको ये पसंद है कि नहीं आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। आज पता नहीं फ्रेंड्स, मुझे लगा था आज संडे है, सुबह सुबह मैं बहुत रिलैक्स होके मतलब काम कर रही थी, फिर लगा नहीं आज तो सैटरडे है, चलो फटाफट काम करो, स्कूल जाओ, और संडे है कल, तो फिर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई, क्योंकि सैटरडे इवनिंग मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, संडे आफ्टरनून तक फिर ना संडे इवनिंग में लगता है कि ओ कल से तो मतलब फिर से पूरा वीक बिज़ी हो जाएंगे, तो कुछ जो इम्पॉर्टेंट पेंडिंग काम है घर के उसमें लग जाती हूँ मैं। तो यहाँ बन गए हैं क्रिस्पी पकोड़ा, और इसमें मैंने ऐड किया है ग्रीन चिली, गरम मसाला और नमक, अजवाइन जो नॉर्मली सब ऐड करते हैं, धनिया पुदीना वगैरह भी ऐड कर दिया है। तो यहाँ बन गए हैं चावल। यहाँ पे बन गया है लंच, और यहाँ पे मैंने सोचा चलो ब्रेकफास्ट में कुछ हेल्दी बना लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी कढ़ाई में ऑयल रखा हुआ है, तो मैंने आटे में डाल दिया है थोड़ा सा जीरा और बीट रूट का जो ग्रेटेड बीट रूट है वो डाल दिया है, और आटे को मैं अच्छी तरह से गून लेती हूँ। थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया है मैंने इसमें, इसको अच्छी तरह से गून लिया है, और आज देखना मैं बिल्कुल गोल वाले पूरी बनाती हूँ, और आपको भी पता लग जाएगा कि पूरी इतना गोल कैसे हुआ था। तो मैंने लिया एक ढक्कन और फिर उससे बना दिया बिल्कुल गोल पूरी, और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इतना गोल कैसे हो गया। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है, और पिंक पूरी बन के रेडी हो गया है। और अगर आपको ऑरेंज पूरी बनाना है तो कैरेट ऐड कर देना, अगर आपको ग्रीन बनाना है तो पालक ऐड कर देना, बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। और जो ये सब नहीं खाते ना, उनको ऐसे खिला दो तो वो आराम से खा लेंगे। फ्रेंड्स है ना बहुत टेस्टी वाला ब्रेकफास्ट, तो आप भी आ जाइए ब्रेकफास्ट करने के लिए। और यहाँ पे मैं निकलती हूँ स्कूल के लिए, सारा जो
खाना है वो बन के तैयार है और मैं अभी कर लेती हूँ ब्रेकफास्ट और निकलूँगी स्कूल, और फिर वहाँ से शाम को मैं 4:30 को आऊँगी, और उसके बाद मैं ना आपसे ना कुछ शेयर करूँगी फ्रेंड्स, जो प्रोडक्ट्स मैंने मंगवाए हैं स्किन और हेयर केयर की, लेकिन उनका रिव्यू मैं उनको, मतलब कुछ चीज़ें तो मैं यूज़ करती हूँ उसमें, और जो पहली बार यूज़ करूँगी उनके रिव्यू मैं आपको यूज़ करने के बाद दूँगी। It's midnight, we're going all night. Can you pass a drink to get the vibe right? Don't feel like having a Bud Light. How's tequila with some salt and lime? Oh my, am I alright? Thanks for asking, doing just fine. Can I say that you're looking real nice? We'll love to chat right now before I get high. When you gaze into my eyes, I feel like I'm on cloud nine. फ्रेंड्स, मैं आ गई थी घर और मुझे रिसीव हो गए थे मेरे जो स्किन और हेयर केयर के प्रोडक्ट्स। तो विंटर्स आने वाले हैं तो मैंने मंगवाया था नीविया का बॉडी लोशन, तो ये बहुत ही सॉफ्ट एंड स्मूथ कर देता है, तो ये वाला मैंने पहले यूज़ नहीं किया, तो ब्लू वाला किया है, तो जब ये यूज़ करूँगी तो मैं आपको इसका रिव्यू बता दूँगी। और फिर मुझे चाहिए था एक लिप बाम तो पिगमेंटेशन के लिए, क्योंकि कभी कभी टैन भी हो जाता है लिप्स पे भी, तो वो मतलब मैंने सर्च किया था तो मुझे ये डर्मा का दिखा था जब मैंने इसको सर्च किया था यूट्यूब पे, तो मुझे ये मैंने सोचा चलो एक बार ट्राई करते हैं। तो इसका डिज़ाइन बड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब एक टैबलेट की तरह है, तो मतलब बैग में भी आपके आराम से रह जाएगा। और मंगवाया था काजल, तो काजल मेरे पास ख़त्म हो गया था, और इस बार मैंने मंगवाया है रेने का काजल, क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो इसको ना एक बार यूज़ करके देखते हैं और फिर आपको इसका रिव्यू ज़रूर देते हैं। और इसका जो पैक है, इसका जो सिल्वर कलर का जो पैक है, बहुत ज़्यादा पसंद आया है, बहुत अच्छा है। फ्रेंड्स, इन सारी चीज़ों के रिव्यू मैं यूज़ करके आपको ज़रूर दूंगी, जो आपके लिए हेल्पफुल भी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मैं आपसे मिलती हूँ कल के प्यारे से व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली, बाय बाय फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।